और बोटिंग कर लिए और इतना मजा आया यार, क्या बताऊं। अभी भी ऐसे धक 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 हो रही है, पूरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी आया हूँ काकोरी लेक पे। मेरे पीछे देख सकते हो इतना बड़ा गेट है, इसके अंदर पूरी लेक है और पूरा मस्त व्यू है। तो मैं आज आपको इसका मैं पूरा टूर कराता हूँ। और मेरे पीछे इधर टिकट काउंटर है, तो 10 रुपये में आप अडल्ट को एंट्री है और 5 रुपये में 12 साल से छोटे बच्चों की एंट्री है। इतनी कुछ नहीं यार, 10 रुपये एंट्री फीस दे देते हैं। बहुत बड़ी लेक है, पूरा घूम कर मज़ा करते हैं। तो और देख सकते हो आप मेरी बाइसिकल, मैंने इसको 10 घंटों के लिए 20 रुपये में इसको किया है। 20 रुपये चार्ज इसका 10 घंटों का, तो बहुत ही चीप में मिल गई, बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गई। नहीं क्योंकि सिटी बस में आता तो 50-60 रुपये आने जाने के इजीली ले जाते, और झंझट भी बहुत था यार, बहुत हेडेक होता है। ये बस चेंज करो, उस बस से उतरो, इस बस में जाओ। तो मेरे होस्ट ने बोला कि ये बाइसिकल पड़ेगी सस्ती, तो मैंने ऐप से कर ली। माई बाइक ऐप करके कुछ ऐप है, उसको डाउनलोड करके आपको ईजिली हो जाएगी। तो आज का तो ये प्लान है, इस लेक को घूमूंगा, जो घूमूंगा इस आसपास का एरिया एक्सप्लोर करूंगा। तो चलते हैं अंदर लेक देखने के, और देखते हैं क्या टिकट का क्या जुगाड़ उगाड़ है, सब कुछ देख के आपको बताता हूँ। तो चलिए, मैं इधर टिकट काउंटर से टिकट ले रहा हूँ। हमने 10 रुपये निकाल लें, 10 रुपये की टिकट है सिर्फ एकमात्र, और आराम से घूम कर आएंगे। और ये मेरी बाइक खड़ी है एकदम मस्त, लॉक लगा दिया हमने पूरा, जैसे लॉक हो जाती है एकदम। और तो चलते हैं अब इसके अंदर। सर एक, तो भाई साहब ये टिकट मिल चुकी है अपन को, 10 रुपये लगे। तो दोस्तों टिकट चेक करवा के मेरा बैग भी चेक करा गया, और उसके बाद में मैंने गेट से एंट्री ले ली है। और मेरे पीछे देख सकते हो आप, इतनी बड़ी सारी एक लेक है, उस लेक के अराउंड सारी चीज़ें। पीछे आपको मैं एक बोर्ड लगा, इस बोर्ड पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या सब कुछ है। तो चलिए पहले बोर्ड को बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। तो जैसे आप देख सकते हो ये बीच में लेक बनी हुई है, इसके चारों जैसे रेड ग्रीन येलो जितने भी ये निशान बने हुए, ये सारी चीज़ें जैसे कहाँ पर जू है, कहाँ पर बोटिंग का सिस्टम है, और कहीं पर एम्यूजमेंट पार्क है, कहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन है, एक्वेरियम है, और यहाँ पर आप बैलून सफारी भी कर सकते हो, और बच्चों के लिए एक टॉय ट्रेन की भी राइड है। तो ये सिस्टम पूरा, आप जैसे गेट में एंट्री करोगे तो हर गेट के मतलब अराउंड 7 गेट है आप इस लेक को देखने के लिए 7 गेट से आ सकते हो। राउंड शेप की लेक है पूरी, तो राउंड शेप की पूरी लेक है, तो आप किसी भी गेट से आ सकते हो। 7 गेट है, मैंने आपको बता दिया है। और लेक के चारों तरफ आपको सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे जू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो अगर 10 रुपये की टिकट है उसमें फ्री मिल रहा है, जैसे जू और हॉट एयर बैलून और ओपन थिएटर, इन सब की मेरे हिसाब से टिकट लगेगी, क्योंकि यार 10 रुपये में इतना कुछ कोई नहीं देता। तो देख लेना आप अपने बजट के हिसाब से, नहीं आप ले घूम के और जो फ्री फ्री चीज़ें हैं वो करके आप मज़े ले सकते हो। आपका एक दिन पूरा लग जाएगा यहाँ पर। नंबर 4 से एंट्री लेते ही थोड़ा मैं सामने चला और मेरे पीछे ये लेक आई। कितना ही प्यारा, कितना ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब बैठ के बहुत ही एकदम सुकून मिल रहा है। आराम से थोड़ी देर मैंने यहाँ पर चिल आउट किया। तो अब चलते हैं पूरे को घूमते हैं, बहुत सारे सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा। तो अराउंड ये एक सर्कल टाइप में कम से कम 3 किलोमीटर के अराउंड आपको पूरा घूमोगे तो 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ जाएगा। तो चलते घूमते हैं, देखते हैं अगर टिकट तो लग रही है, हर चीज़ की टिकट लग रही है आपको, बस लेक देखने को मिलेगी 10 रुपये में फ्री, बाकी हर चीज़ की टिकट है। तो अगर बजट थोड़ा टाइट है मेरा, तो इसलिए देख रहा हूँ, अगर सेट हुआ तो टिकट ले लेंगे, कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी उसकी टिकट ले लेंगे, बाकी उसको बाहर ही देख कर आपको दिखा दें। तो मेरे पीछे जस्ट है हॉरर हाउस, इसकी टिकट की प्राइस है 70 रुपीज़, बट यार मन तो बहुत कर रहा है चला जाऊँ, 70 रुपये ही हैं, बट यार इसका देखो इधर से ये स्टार्ट हुआ और इतना ख़त्म हो गया, तब शुरू होने से पहले ख़त्म हो रहा है। अगर बड़ा होता तो 70 या 100 रुपये भी दे देता, बट यार ये है ही छोटा सा। और मैंने इसकी यूट्यूब पे वीडियो देखा, मैं चेक तो करें कैसा अंदर से, कुछ खास है नहीं, बस बहुत सारे साउंड इफेक्ट लगा देंगे और पुतले से लगे हुए अंदर। तो 70 रुपये इसके लिए ज़्यादा है, मैं तो नहीं जाने वाला इसमें। और अगर आपकी इच्छा हो तो चले जाना, बट कोई फ़ायदा नहीं, रात को भूतों के सपने आएंगे। तो अगर आप आओगे तो, अगर आप सुबह आओगे थोड़ा, अगर 9-10 बजे भी आओगे तो भी आपको पूरा दिन लग जाएगा इसको आने में, क्योंकि बहुत बड़ा घूमने। तो अगर आपको खाना खाना है तो बहुत सारी ऐसे पीछे बने हुए हैं होटल टाइप के, रेस्टोरेंट टाइप के, तो आपको हर जगह फैसिलिटी मिल जाएगी खाने की। पर बाहर की साइड से थोड़ा ये महंगा, क्योंकि अंदर है थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे। और टॉयलेट की बढ़िया फैसिलिटी है, जगह जगह टॉयलेट्स बने हुए हैं, और
पीने पानी के लिए नल भी बहुत सारी लगी हुई है। तो मैंने पता किया कि ट्रेन की टिकट अराउंड 30 रुपीज़ है एडल्ट के लिए, और अगर आप स्कूल टूर के लिए आ रहे हो एडल्ट हो तो भी और बच्चे हो तो भी, और बच्चे हो तो आपके लिए है ये 12 रुपीज़ की। तो बहुत ही सस्ती थी यार ट्रेन की राइड, 3 किलोमीटर अराउंड पूरा एरिया घुमा देती, मज़ा आता। बट अभी उसमें ट्रैक्स में कुछ काम चल रहा है वेल्डिंग का और टाइल्स का, तो अनलकली यार अपनी किस्मत ही ख़राब है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर, ये थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, बहुत कुछ है इसमें करने को, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल से दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो इस साइड है मिनी गोल्फ, ये अंदर आपको बॉल दी जाएगी, लगे जैसे 7 बॉल दी जाएगी, 11 बॉल दी जाएगी, ऐसे 27 बॉल दी जाएगी। अलग अलग बॉल्स के ऊपर डिपेंड है कि कितना प्राइस है। तो प्राइस है जैसे होल्स में बॉल डालने के लिए दी जाएगी, तो सबसे पहले प्राइस है 50 रुपये, 100 रुपये और 150 रुपये। तो आपको जिस हिसाब से इंटरेस्ट हो आपको कि कितनी बार आपको हॉल में बॉल डाली है उतनी बॉल आपको दी जाएगी, और उस हिसाब से प्राइस है। और अगला ये है किड्स किंगडम, इसके अंदर आप वीडियो गेम जैसे कुछ खेल सकते हो, तो इसकी प्राइस है 40 रुपीज़। फिर आ गई मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये है सेगवे, इसकी प्राइस बता रहे हैं ये 90 रुपये बता रहे हैं। इसको थोड़ा मेरे को नहीं पता कि किधर चलाने देंगे, अंदर चलाने देंगे। मेरे सामने इस रूम में पड़े हैं बहुत सारे सेगवे, और इधर है आर्चरी का ऑप्शन। तो आर्चरी के पैसे कुछ लिख नहीं रखे, तो मैं देखता हूँ उनसे, भैया से पूछता हूँ, बताता हूँ अगर हो सका तो। और फिर है ये इधर जिप लाइन, मतलब ये है एडवेंचर ट्री वॉक, ये वाला सिस्टम जितना भी होता है। तो ये अलग अलग सिस्टम है, एक 1 लूप, 2 लूप और लूप 3 अलग अलग है। तो 50 रुपये लूप 1 के हैं, और 200 रुपये लूप 2 के हैं, और 300 रुपये हैं लूप 3 के। तो अलग अलग डिपेंड है, पता नहीं मैं कुछ सिस्टम समझ में, तो मुझे इसका सिस्टम समझ में तो आया नहीं ये लूप 1 लूप 2 लूप 3 क्या है। पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे कैसे आपको एडवेंचर मिलेंगे, ट्री वाले कैसे कैसे आपको एडवेंचर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा सब कुछ बना हुआ है। तो आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ट्री एडवेंचर वाला सारा ये बना हुआ है, आपको देख सकते हो इधर इस पेड़ से इस पेड़ भी बना हुआ है, इस साइड भी बने हुए, आगे की साइड भी बने हुए। बट मैं एक बार पहले ही इस पूरे पार्क को घूम चुका हूँ, अब वीडियो बनाने के लिए दोबारा घूम रहा हूँ, पहले मैंने देख लिया क्या क्या सिस्टम है इसमें सब कुछ। तो तभी भी कोई इसमें एक भी बंदा नहीं था, अब भी इसमें एक ही बंदा नहीं है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा हैं इसके, और इतना करता नहीं बच्चा, रिस्क भी लेते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहता। बट मेरा मन था इसको करने का, बट मैंने भी मेरे मन को तसल्ली दे दी, क्योंकि गांव में बहुत पेड़ों पे खेलें तो क्या यार पैसे दे के खेलेंगे, वहाँ पर एकदम पूरा एडवेंचर वाला फील गांव में आता। तो मैंने भी मन को शांति दे दी कि गांव में कर चुके हैं, अपन क्या करेंगे दोबारा करके, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्रेन के लिए कुछ काम चल रहा है ट्रैक्स का, तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, इसी कारण यहाँ पर अभी ट्रैक चल नहीं रही है। तो आप बाद में आओगे तो आपको एकदम बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा कहाँ पर जंग आ गया था उस रेलवे ट्रैक्स में, तो अभी उनका काम चल रहा है। तो अब मैं आ गया हूँ बटरफ्लाई गार्डन, और इसका दूसरा नाम है 1 ट्री हिल गार्डन। तो इस गार्डन की टिकट है सिर्फ 10 रुपये। तो यार 10 रुपये तो मैं सोचा यार पार्क में आए तो खर्च कर दें थोड़े बहुत रुपये, क्या भारी बार घूम रहे कब से देख देख के, थोड़ा मन भी उदास होने लगा। तो सोचा इसकी मैंने टिकट ले ली 10 रुपये और बच्चों के लिए 5 रुपये। तो चलिए मैं अब इसके अंदर जाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर, अभी तो मेरे को कोई आइडिया नहीं इसके अंदर क्या होने वाला है। बट गार्डन्स है, फाउंटेन्स है, बहुत सारे पानी है, हरियाली है, ये तो मेरे को पता है, इतना मैंने बाहर से देख लिया जालियों में से। तो भाई लोग घुसते हैं बटरफ्लाई पार्क, कुछ ऐसा सिस्टम आ रखा है, गेट बना तो बहुत मस्त रखा है अंदर, और एसी लगा रही है, खर्चा रखा है, और ये बता रहा है बहुत सारे बटरफ्लाइज के बारे में क्या सिस्टम इनका क्या है। तो अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, सब अंदर चलते हैं। ओहो इधर तो ये वाटरफॉल जैसा कुछ बना रखा है इन्होंने, सस्ता जुगाड़ कर दिया पानी का, मस्त लग रहा है और बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छा लगा 10 रुपये का कि 10 रुपये में इन्होंने इतना कुछ देर का, बहुत बड़ा पार्क लग रहा है मेरे को। अंदर चलते हैं धीरे धीरे। तो थोड़ा अंदर आने के बाद मैं देखो मेरे ऊपर क्या है भाई, ये रोपवे वाला सिस्टम कुछ ऊपर से आने पर, अभी यार ये बंद लग रहा नहीं यार, मैं ये ज़रूर ट्राई करता। इस साइड जा रहा है बहुत दूर, अंदर की साइड जा रहा है, यहाँ पूरा रुकता है कुछ आते हैं पेड़ों के अंदर। बट अभी मेरे को तो लगता नहीं ये वर्किंग कंडीशन है, बहुत दिनों से बंद पड़ा क्योंकि बहुत पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, इन्होंने पेड़ भी कट नहीं, डाली भी कट नहीं की है, तो यहाँ पर ये तो चल नहीं रहा है। फिर भी पार्क में घूम लेते हैं थोड़ा। तो पार्क में थोड़ा आगे चलने के बाद एक मस्त फाउंटेन आ रखा है, पानी से एकदम धुआं धुआं कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त लग रहा है, क्या है व्यू आ रहा है इसका तगड़ा।
तो ये वाला फाउंटेन देखने के बाद में आगे एक फाउंटेन और आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी एकदम मस्त है। इसमें तो पूरा एकदम अंधेरा सा हो रखा है, एकदम धुआं धुआं टाइप का पानी आ रहा था। इस फाउंटेन देखने के बाद में ये वाला फाउंटेन है, बहुत सारे इसमें फवारे लगे हुए हैं और मस्त आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यहाँ पर पानी गिर रहा है तो उसके कारण हवा आ रही है, वो बहुत ही एकदम आपको महसूस हो रही है, बहुत ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा महसूस हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। बस इतना ही था, वो पार्क ख़त्म हो गया शुरू होने से पहले ही, बट 10 रुपये में यार इससे ज़्यादा भी क्या देंगे। और बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, अंदर पानी था, हरियाली थी, तो मन को शांति मिल गई, थोड़ा घूम के रिलैक्स हो गया। बट एक बात बहुत मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है यार, इसका नाम है बटरफ्लाई पार्क, पर उसमें मेरे को एक भी बटरफ्लाई देखने की नहीं मिली। तो आप यहाँ बहुत सारी बाइसिकल देख सकते हो, इस ये बाइसिकल आप देख सकते हो, माई बाइक ऐप नाम का, माई बाइक नाम से एक ऐप है, उसे ले सकते, जिससे मैंने मेरे पास किला में आपको स्टार्टिंग में दिखाई ना सुबह वीडियो में, वही बाइसिकल्स हैं। मैं बाहर वाली बाइसिकल्स अंदर नहीं लेके आ सकता हूँ, और अंदर वाली बाइसिकल्स आप बाहर नहीं ले जा सकते हो। तो अगर आपको पार्क घूमना है तो आप यहाँ से 20 रुपये में एक बाइसिकल ले सकते हो। आपने अभी जितने भी फिशेज के फोटेजेस देखे, वीडियो देखा, वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट मैंने आज थोड़ा बहुत बना लिया आपको दिखाने के लिए। तो ये एक एक्वेरियम है और इसकी टिकट है सिर्फ 5 रुपये यार, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता यार, और बच्चों की सिर्फ 2 रुपये टिकट, इससे सस्ता क्या देंगे, फ्री कर दे बेचारे। और तो बहुत अच्छा लगा मुझे, अब थोड़ा बैठा हूँ आराम से, पीछे बहुत ही ज़बरदस्त शानदार व्यू आ रखा है। और यार इतनी देर से चल रहा था, पहले मैंने पूरा घूम लिया, फिर दोबारा घुमाने के लिए चल रहा हूँ, थोड़े पैदल करने लगे तो थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। और तो मस्त हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, एकदम चिल आउट, मज़ा आ रहा है। तो भाई लोग हुआ यू दोबारा, उधर था एक बोटिंग का, 3-4 जगह सिस्टम है बोटिंग का यहाँ पर। अब मैंने 5-7 बार देख ली बोटिंग करते, भाई इतनी स्पीड से जा रहे, इतना मतलब मन कर रहा बहुत ज़्यादा, कंट्रोल नहीं हो रहा। और अब तो मैं करके रहूँगा, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, और मैं अब करके रहूँगा पक्का 101%। तो चलते हैं, ये राइड दिखा दूँ आपको। तो भाई लोग सीन ऐसा हो गया कि वहाँ पर मैं अकेला था, मतलब एक के लिए बोट नहीं जाती, उसमें 4 या 5 जनों को एक साथ बोट में लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ा वेट करो, मैंने यार 1-2 मिनट में बैठा था, कोई आया नहीं, तो मैंने सोचा यार करना तो ही करके तो जाऊँगा, ये तो कुछ करिए, 130 रुपये लग जाएंगे तो लग जाएंगे, कोई बात नहीं, बट पूरे पैसे वसूल होते हैं इसमें वो पता है। तो मैं सोच रहा हूँ उधर एक उधर है और एक उसके आगे और है, तो उधर जाके ट्राई कर लेता हूँ। उससे पहले एक थोड़ा वो आ रहा है रोलर कोस्टर वाला, देखता हूँ उसमें टिकट सस्ती भी, तो रोलर कोस्टर भी ट्राई करेंगे। तो मेरे पास 2 मूंगफली बड़ी थी बैग के अंदर, पता नहीं कहाँ से आ गई, तो यहाँ पर पास में बंदर बैठा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको दे दूँ, तो देखते हैं आता नहीं आता। भाई इसने पूरी मूंगफली छील के अंदर से मूंगफली खाई है, बाहर का छिलका नहीं खाया, बहुत समझदार है। दूसरे का ट्राई करता हूँ, एक मूंगफली और है। इसको पता चला कि मेरे पास एक मूंगफली और है, तो भाई इसने मेरे हाथ के ऊपर अपने पंजे से मारा कि ले वो भी मुझे दे, बट यार इधर बहुत सारे बैठे हैं तो सारी एक खड़ के ले लूँगा। ये थोड़ा सो रहा है, चलो इस करते हैं ट्राई, ये लेता नहीं लेता है, क्या था इसका, चलो देखिए ये भी आ गया, इसको सारी इसको खिला दो सारी। भाई यार झूले तो बहुत ही खतरनाक है, एकदम पूरा फुल पैसा वसूल वाला, मज़ा आने वाला था, बट यार क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ख़राब है, नहीं चल रहा है। अभी बोल रहे हैं कि शाम को चलेगा, कोई बोल रहा है कि नहीं चलेगा, ज़्यादा भीड़ होगी तभी चलेगा, क्योंकि यार बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कोई नहीं मेरे अलावा, 1-2 जने घूम रहे हैं, तो मुश्किल है यहाँ चलने वाला। और ये है भी यार थोड़ा कोने में है, बहुत ही पार्क के, मेरे को तो दिखाई नहीं था, फिर अचानक नज़र पड़ गई कि इधर कुछ है, सिस्टम भी ऐसे झूलों वाला, तो आ गया मैं भी नहीं यहाँ पर, तो मेरे को लगता नहीं है नहीं चलने वाला, तो स्पीड बोट ही ट्राई करते हैं आज। तो सच्ची में यार बोटिंग और रोलर कोस्टर का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, और सारा मन मर गया है, अब बोटिंग का बचा है, इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ। और पीछे ये और झूले आए थे,
ये भी सारे के बंद बंद पड़े हैं, कुछ नहीं चल रहा, बंद ही कर दो, फिर कुछ चल नहीं रहा यार। फाइनली मैं दूसरी बोटिंग वाली जगह आ गया हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। बस यहाँ पर भीड़ भी बहुत है, तो लगता है मेरे साथ कोई और को भी टिकट देंगे तो मैं भी बैठ जाऊँगा, मज़ा आएगा। आज का तो पूरा दिन ही ख़राब है, तो ऐसे लग रहा है आज पता नहीं सुबह उठते ही किसका मुँह देख लिया है। वो खाना खा रहे कह रहे भैया आधी घंटा बाद में स्टार्ट करेंगे, तो एक आगे और है उसके पास जाकर ट्राई करता हूँ। तो फाइनली मैंने स्पीड बोट की टिकट ले ली है, आप टिकट देख सकते हो, और अब एक्साइटेड हूँ स्पीड बोट में जाने के लिए। बोटिंग कर ली है और इतना मज़ा आया यार क्या बताऊँ, अभी भी ऐसे धक 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 हो रही है, पूरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। हमको यार घुमाते हैं एकदम कर्व में, इतना भयंकर ऐसे ज़्यादा पूरा ऐसे गिरूंगा गिरूंगा, बहुत मज़ा आया सुनी में। अब खुशी मिल रही है कि हाँ, नहीं तो रोलर कोस्टर की राइड बनती तो मन छोटा सा हो गया था, बट अब शब्द नहीं है यार, इतने मज़े आए। अब चलते हैं बाहर और किधर देखते हैं, आस पास किधर जाएँ। तो आज का तो अराउंड 3 बज चुके हैं, तो दिन ख़त्म होने वाला है, 5 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाहर जाके बाइसिकल को देखते हैं, वहीं खड़ी है या कोई उठा लेगा पता नहीं, लोग तो थी फिर भी देखते हैं जाके। तो दोस्तों ये था पूरा कांकरिया लेक और उसके सराउंडिंग का एरियाज, बहुत मज़ा आया स्पीड बोट में, मज़ा आया। और इसमें मैंने कितने रुपये लगाए, 130 स्पीड बोट के, 5 एक्वेरियम के और 10 रुपये बटरफ्लाई पार्क के, तो टोटल मिला के हो गया 145, मतलब ऑल अराउंड मतलब 150 रुपये लगे हमें इस पार्क के घूमने में। 10 रुपये टिकट लिखी थी, 155 रुपये लगे हैं, तो ऑल अराउंड 150 रुपये में मैंने घूम लिया है। और मैं कहूँ अगर आप हर चीज़ की टिकट लेके अंदर जाने की कोशिश करोगे तो 2,000-2,500 के आसपास आपका खर्चा पड़ सकता है, क्योंकि बहुत टिकट है, 50-50 की बहुत सारी टिकट है, 4-5 टिकट है, 70 रुपये की 3-4 टिकट है, और रोलर कोस्टर राइड चलता है, झूले चलते, तो उनकी भी अराउंड होती 100 रुपये के आसपास टिकट, तो 2,000 के आसपास टिकट पड़ जाएगी अगर आप पूरा घूमोगे, हर चीज़ की टिकट लेगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा वेट करो, अगले दिन एक नया वीडियो और आ रहा है।